वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो टीवी फैन है रेडीमेड, उस पर टीवी लगाना है तो इस पर स्विच बोर्ड लगाना है तो किस तरह लगाया जाता है, इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गंगा भारती इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ये देखिए टीवी पैनल है, इसमें यहाँ पर टीवी लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाना है, देखिए 18 मोटर का स्क्वेयर प्लेट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किस तरह लगाया जाता है, इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर पीछे एक छोटा बोर्ड है 3 मॉडल का, उससे कनेक्शन ले लेंगे और यहाँ पर टीवी के लिए स्विच बोर्ड लगाएंगे। तो किस तरह लगाया जाता है देखिए दोस्तों, इस तरह आपको मार्किंग करके लेना है एक कॉर्नर में, क्योंकि इस साइड से अभी ये डोर है, यहाँ इस साइड से आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको स्विच के बीच वाले जो कि स्क्वायर है वहाँ से मार्किंग करके लेना है, इस तरह पकड़ कर। देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर लेता हूँ और मार्किंग होने के बाद में जो डॉट डॉट है उसका भी लाइनिंग कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद जो स्क्वायर बचे होगा उसको कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से इसका मार्किंग टोटल हो चुका है दोस्तों। देखिए आपको पेंसिल से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों इस तरह से ये मार्किंग हो चुका है जो प्लेट की सहायता से, जितना अपने को चाहिए उस तरह से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कटिंग करने के लिए यूज किया है वो 5 mm का स्टील बिट है। ड्रिल मशीन को बिट बिठा लेता हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक 3 मॉडल बोर्ड है, उसमें सप्लाई ले लिया फेस न्यूट्रल और रनिंग अर्थिंग यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जो 5 mm का स्टील बिट यूज किया है ड्रिल मशीन को लगाकर, इस तरह से इसको जितना मार्किंग किया उतना होल करेंगे आसा एक एक करके। देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटली होल करके लिया। अब इसको क्या करेंगे, ड्रिल की सहायता से थोड़ा घुमा घुमा कर इसको कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से टोटल बोर्ड का मार्किंग हो चुका है। अभी ड्रिल की सहायता से थोड़ा थोड़ा घुमाकर जो बचा हुआ है उसको भी कट कर देंगे। और देखिए इस तरह से कट करने के बाद इसका होल हो चुका है दोस्तों। और जो ये 8 मॉडलर स्विच प्लेट है स्क्वायर वाला, उसको स्विच सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। चलो इसको प्लेट को खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3-in-1 दो सॉकेट है दोस्तों, एक 2 पिन है और इस तरह से 3 स्विच है यहाँ पर बाजू में 6 एम्पेयर के। इस तरह से इसमें 3 सॉकेट और 3 स्विच है। तो चलो इसका कनेक्शन करते, स्विच वाले नीचे पॉइंट में मेन सप्लाई दे देंगे जो कि 1.5 का वायर यूज़ कर रहा है दोस्तों। इसको इस तरह से कनेक्शन किया है, इस तरह देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 2 पिन में कनेक्शन देंगे जो कि यहाँ पर नीचे वाले टर्मिनल में और ऊपर के स्विच में और ऊपर के सॉकेट में इस तरह कनेक्शन करेंगे। जो ऊपर वाला एक स्विच बचा उससे नीचे वाले सॉकेट में सप्लाई दे देंगे इससे इस तरह से। और जो न्यूट्रल देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों तीनों सॉकेट की एन वाले पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और दो फाइनल सॉकेट है तो उसमें थर्ड अर्थिंग के 2 पिन में नहीं है तो इस तरह दोनों इसमें थर्ड अर्थिंग दे देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं घर पे आकर 8 मॉडल का स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आप घर पर भी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ जो कि ब्लैक कलर का है। इस तरह देखिए मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट किया, बाद में रनिंग अर्थिंग कनेक्ट कर देता हूँ जो कि सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा इस तरह से। और अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज नहीं रखना है। और अभी फेस कनेक्ट करेंगे जो कि स्विच के, देखिए न्यूट्रल और रनिंग अर्थिंग हो चुका है। इसका इंसुलेशन रिमूव कर लेता हूँ पहले फेस का जो कि रेड कलर का वायर है दोस्तों। देखिए इसमें सप्लाई चालू है, आप इस तरह ना करें क्योंकि रात का समय है दोस्तों, इसके लिए मुझे चालू में ही करना पड़ रहा है। इस तरह देखिए यहाँ पर स्विच को भी कनेक्ट किया है मैंने मेन सप्लाई को, इस तरह से देखिए ये यहाँ पर सप्लाई है।
ये बोर्ड को अच्छे से फिटिंग कर देंगे। ये देखिए फेस न्यूट्रल और ये रनिंग अर्थिंग और न्यूट्रल, इस तरह से तीनों को कनेक्ट किया है। यहाँ पर अभी रेडीमेड टीवी पैनल है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर देखिए बोर्ड को अच्छे से फिटिंग कर देंगे और चार स्क्रू है उसको, चार स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। इस तरह से ये बैठ चुका है, अभी टाइट कर देंगे अच्छे से। इस तरह देखिए इस तरह से चारों स्क्रू अच्छे से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब इसके ऊपर से प्लेट लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये फिटिंग हो चुका है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलो ऊपर वाला प्लेट लगा देता हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। और इसी तरह क्या अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आपको मेरे बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो कि। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।